दोस्तों, क्या आप लोग कम प्राइस के अंदर एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो जहां आपको एक मैसिव डिस्प्ले देखने को मिल जाए, मैसिव बैटरी के साथ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले? तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिक्स होट 10 मोबाइल फोन के बारे में, क्योंकि गाइज इन्फिनिक्स होट 10 मोबाइल फोन आपको फ्लिपकार्ट फेस्टिवल सेल यानी कि बिग दिवाली सेल के अंदर ये स्मार्टफोन आपको मात्र 8,100 रुपए की कीमत में मिलेगा। 8,100 रुपए में आपको मैसिव डिस्प्ले के साथ मैसिव बैटरी, अच्छे कैमरों, बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्फिनिक्स होट 10 को मात्र 8,100 रुपए में कैसे बाई कर सकते हो, क्या ये स्मार्टफोन 8,100 रुपए की कीमत में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। तो गाइस, ये सब कुछ जानने के लिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर राठी और आप देख रहे हैं फालतू टेक यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन पर मिलने वाली स्पेसिफिकेशंस की। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 6.78 इंच की डिस्प्ले दी जाती है, HD प्लस का रेजोल्यूशन दिया गया है, कॉर्नर पर आपको एक पंच होल कटआउट मिलते हैं। हालांकि यहाँ आपको कोई भी फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको काफी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, काफी बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। अगर मोबाइल फोन के कैमरे की बात करें, अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हो, अगर आप पिक्चर कैप्चर करने का शौकीन हो, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और बाकी के आपके सेंसर 2-2 मेगापिक्सल के मिलते हैं, और जो लास्ट सेंसर वो आपको लो लाइट सेंसर मिलता है। मुझे नहीं लगता कि उतना खास सेंसर है, बट मैं आपको एक गाइस साफ साफ बता दूं कि अगर आपका मेन पर्पज है फोटोग्राफी करना यानी कि एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन खरीदना, तो मैं आपको इन्फिनिक्स होट 10 को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ आपको इतने अच्छे कैमरे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये बजट के स्मार्टफोन है तो बजट के हिसाब से ही आपको कैमरे देखने को मिलते हैं, और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो अगर मैं अपने मुताबिक बताऊँ तो मेरे हिसाब से इस मोबाइल फोन पर आपको एवरेज कैमरे देखने को मिलते हैं। बट गाइस, अब हम बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्रोसेसिंग पावर की, क्योंकि जो इन्फिनिक्स होट 10 है यहाँ पर आपको काफी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, क्योंकि यहाँ मीडियाटेक हेलियो G70 का प्रोसेसर का यूज किया गया है, ऑक्टाकोर का प्रोसेसर मिलता है, 4GB RAM प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड का स्लॉट भी दिया जाता है। और बैटरी की बात करें तो 5200 mAh की बैटरी दी जाती है। तो नो डाउट ये स्मार्टफोन पावर बैकअप के मामले में भी एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप थोड़ा बहुत गेम खेलना पसंद करते हो तो ये स्मार्टफोन आपको एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी दे देगा, क्योंकि हेलियो G70 SoC एक काफी अच्छा प्रोसेसर है, उससे आप एक अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हो। और गाइस, ये स्मार्टफोन फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैन और फेस अनलॉक के साथ भी आता है। लेकिन गाइस, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस स्मार्टफोन को मात्र 8,100 रुपए में कैसे बाय करेंगे। अभी के टाइम में देखा जाए तो ये स्मार्टफोन आपको 9,000 रुपए की कीमत में मिलते हैं। अगर गाइस आप लोग एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सिटी बैंक और महिंद्रा कोटक बैंक की डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो मोबाइल फोन पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी कि 9,000 रुपए में से आपको 900 रुपए माइनस देखने को मिलेगा, मात्र स्मार्टफोन आपको 8,100 रुपए की कीमत में मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि गाइस 8,100 रुपए की कीमत में इन्फिनिक्स होट 10 आपके लिए एक बेस्ट डील साबित हो सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर आप लोग ऑनलाइन स्टडी करते हो तो यहाँ पर आपको एक अच्छी बैटरी भी देखने को मिलती है, बड़ी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। अगर गाइस आप फोटो भी कैप्चर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक कैमरे भी देखने को मिल जाते हैं, और गेमिंग के हिसाब से भी ये स्मार्टफोन आपको अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो नो डाउट देखा जाए तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफी अच्छा स्मार्टफोन है, और 8,100 रुपए कीमत में मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपना कीमती मान देकर मुझे जरूर बताएं कि इन्फिनिक्स होट 10 क्या वाकई में एक वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो अपना कीमती कमेंट मुझे जरूर दे। तो चलिए गाइस, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।